Hey guys, welcome back to my channel. This is Sonia Chauhan. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना. अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो मेरे चैनल को देन थैंक यू सो वेरी मच. सो आई एम ऑल सेट फॉर द ट्रिप. आज जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं राजस्थान ट्रिप में जा रही हूँ. टुडे इज माय हस्बैंड्स बर्थडे. जैसा आप देख रहे हो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैंने सब कुछ करा था प्रिपेयर. तो आज हम निकल रहे हैं राजस्थान के लिए. एक्चुअली टू रणथंभौर का ट्रिप है. तो रात के 8 बज चुके हैं. एज यू नो कि हम रात को ही निकलते हैं बिकॉज हमें रात को कंफर्टेबल रहता है. सो मीट यू एट द रणथंभौर. तो हमारे साथ मेरी सिस्टर भी जा रही है तो मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ अपनी सिस्टर से. हाय हाय. तो ये मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर. तो ये भी हमारे साथ जा रही है, इनके और इनके हस्बैंड. तो वी आर ऑल सेट. यस. सो लेट्स गो टू रणथंभौर. वी आर रीच इन आर होटल फाइनली. तो हम टाइम से पहुँच गए थे यहाँ पे. अराउंड 7 o'clock वी रीच हियर बट वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आर ब्रेकफास्ट. जैसे ही ब्रेकफास्ट आएगा खाएंगे और फटाफट हो जाएंगे. देन वी विल गो टू दी नेशनल पार्क सफारी रणथंभौर. तो वो हम जाएंगे डे टाइम में क्योंकि मॉर्निंग का जो स्लॉट होता है वो होता है 6:30 का. उसके बाद होता है इवनिंग का स्लॉट which is around 2:30 or 3 o'clock. तो we are preferring the evening one क्योंकि evening में थोड़ा हमें easy रहेगा. हम morning में इतनी जल्दी नहीं उठ पाएंगे. तो we decided to go for evening safari. We are very tired because पूरी रात की journey हमने करी है. तो yeah, we are waiting for our breakfast. Then I will meet you in the safari in the evening. Till then, bye. So we are all set for the safari. तो कैंटल इज हियर वेटिंग आउटसाइड. तो या वी आर रेडी. लेट्स सी हाउ द राइड विल बी. वैसे तो मुझे शेर टाइगर से बहुत डर लगता है एंड आई डोंट वांट कि मैं देखूँ. एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ.
बट देखते हैं क्या होता है, दिखता है नहीं दिखता है, और दिखता है तो डर लगता है कि नहीं लगता। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। सो लेट्स गो। वो कभी टूटते नहीं, अगर टूटेंगे तो बहुत पेन होगा,
आई साइट बहुत पुअर है इनकी, बट स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। और वाइल्ड लाइफ में सांबर डियर अगर वार्निंग कॉल कर रहा है, ये हमेशा एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं वार्निंग कॉल देके। हम टाइगर को भी अगर ढूंढेंगे तो दो ही तरीका है, या तो वार्निंग साउंड से पकड़ो या फिर पगमार्क से। अभी स्पॉटेड डियर का तो मुझे पता है, कई बार ऐसा भी होता है अगर हम आवाज करते हैं आसपास कोई गाड़ी हो तो भक्के भी आ जाता है। आवाज करते हैं। सबसे पसंदीदा खाना है टाइगर का। इसका रीजन मैं बता दूं आपको, टाइगर फोर्ट ब्लडेड एनिमल है। एक बार में 100 मीटर से ज्यादा टाइगर भगता नहीं, और इट्स अ वेरी टफ जॉब फॉर टाइगर टू गेट हंट। इफ दे ट्राई 10 टाइम देन दे गेट सक्सेस ओनली 1 टाइम। सक्सेस रेट जो है टाइगर का लेस देन 10%। और एक फुली ग्रोन टाइगर एक दिन में लगभग 20 से 25 किलोग्राम खाता है एक दिन में। तो टाइगर हमेशा चाहता है कि मैं बड़ा जानवर मारूं ताकि 3-4 दिन का खाना हो जाए। और टाइगर के जो एवरेज हंटिंग है वो लगभग 5 से 6 डियर 1 मंथ, और लगभग 70+ डियर इन अ ईयर। तो अगर 70+ टाइगर है तो द रीजन ये डियर है। अगर ये पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगे तो फिर उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होना लगभग असंभव है। ठीक है, ये अटैक वटैक तो नहीं करता ऐसे कोई आते तो? नहीं नहीं, टाइगर भी नहीं और डियर भी नहीं, बिकॉज दे आर वेरी यूज्ड टू विद दोस काइंड ऑफ व्हीकल। ये जो आपने मंदिर बताया वो नहीं? मैं मंदिर इसमें नहीं है, चलो मंदिर तो अभी बंद है, और वो एक ही गणेश जी अपने इधर कोई यूज नहीं है। इंडिया में 9 तरह के डिफरेंट डियर पाए जाते हैं, उनमें से 2 रणथंभौर बॉर्डर डियर और सांबर। तो 1.5 घंटे वेट करने के बाद भी हमें यहाँ कोई शेर नहीं मिला, सो हाउ आर यू फीलिंग? डिसअपॉइंटेड? वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। हमने बहुत वेट किया है, भूख भी इतनी लग रही है, और कोई नहीं होता है समटाइम्स। सनसेट भी हो चुका होने वाला है, कोई नहीं। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे थे। So we are going back.